हे व्हाट इज अप पीपल, कैसे हो भाई लोग। तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 पोकेमोन गेम्स के बारे में। तो अगर आप पोकेमोन के फैंस हो तो आपको जरूर ये गेम्स पसंद आने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्टेड। तो दोस्तों लिस्ट में 5th नंबर की गेम निकल कर ट्रेनर ऑफ मॉन्स्टर। गेम पूरी तरह ऑफलाइन होने वाली, 31 MB के अंदर आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो गेम यार आपको माइनक्राफ्ट जैसा देखने के लिए मिलेगा। यार ये मेरे हिसाब से तो पहला गेम होगा जिसमें आपको क्राफ्टिंग देखने के लिए मिल जाती है पोकेमोन का। और आप माइनक्राफ्ट में जैसे क्राफ्टिंग करते हो इसमें भी क्राफ्टिंग कर सकते हो, पर इसमें आपको पोकेमोन पकड़ने के लिए मिल जाते तो काफ़ी अच्छा है। आप जाके अलग अलग जगह पर पोकेमोन भी पकड़ सकते हो, ट्रेनर से लड़ सकते हो, ट्रेनर से यानी कि फाइट ले सकते हो, फाइट के दौरान उनके पोकेमोन कैच कर सकते हो। पर यार ये गलत है किसी का पोकेमोन पकड़ना, बट गेम काफी अच्छा है। अगर आपको ऐसे गेम पसंद आते हैं तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बढ़ते हमारे लिस्ट की नेक्स्ट गेम की तरफ। तो दोस्तों लिस्ट में 4th नंबर का गेम निकल कर आ रहा है पोकेमोन मास्टर EX। गेम पूरी तरह ऑनलाइन होने वाला है, 83 MB के अंदर आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी यार काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है आपको। इसमें आप अलग अलग पोकेमोन से फाइट्स कर सकते हो, साथ ही आप इसमें मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो अपनी टीम बना के। तो आपको काफ़ी मजा आएगा इस गेम के अंदर। और साथ ही में इस गेम में आप काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हो, इसमें आपको बीच बीच में स्टोरी लाइन देखने के लिए मिल जाएगी, वो इस गेम को काफ़ी बढ़िया बना देता है यार। तो बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट गेम की तरफ। तो दोस्तों लिस्ट में 3rd नंबर का गेम निकल के आ रहा है ट्रेनर कैनियन। गेम पूरी तरह ऑनलाइन होने वाला है, 375 MB के अंदर आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। यार ये गेम जो काफ़ी गजब का होने वाला है, हालांकि इस गेम सबने खेली होगी अगर आप पोकेमोन के फैंस हो। और इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी भी यार काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ये गेम ऑनलाइन होने वाला है तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये गेम। बीच बीच में आप पोकेमोन वगैरह पकड़ सकते हो और ग्राफिक्स भी यार काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है गेम की। अगर आप पोकेमोन के फैन हो, अगर आपने अभी तक ये गेम ट्राई नहीं की है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बढ़ते हमारी लिस्ट की नेक्स्ट गेम की तरफ। तो दोस्तों लिस्ट में 2nd नंबर की गेम निकल के आ रही है मॉन्स्टर स्टार। गेम पूरी तरह ऑनलाइन होने वाली, 860 MB के अंदर आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई कुछ कुछ डिवाइस में ज़्यादा MB की भी बताती है, पर मेरे में 816 MB की बता रही है। आप में क्या बता रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ये जो गेम है अभी अर्ली एक्सेस पे है तो अभी इसमें काफ़ी चेंजेस आना बाकी है। और गेम पूरी तरह यार काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपको ग्राफिक्स क्वालिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही में कार्ड बैटल टाइप गेम ही होने वाली है तो आपको कार्ड बैटल टाइप मूव देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी इसमें जो एनिमेशन वगैरह है फाइट के दौरान वो काफ़ी अच्छा लगता है यार। आप देखोगे तो आपको खुद को मजा आने वाला है, काफ़ी अच्छी गेम है अगर आप एक बार ट्राई करोगे पोकेमोन के फैंस हो। और मूव्स वगैरह भी आपको इसमें डिसेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको ऐसी गेम पसंद आती है तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बढ़ते हमारे लिस्ट की नेक्स्ट गेम की तरफ। तो दोस्तों जो लिस्ट में 1st गेम निकल के आ रही है वो है पोकेमोन यूनिटी। गेम जो है अभी तक कमिंग सून है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। मैंने सोचा एक अपकमिंग गेम लॉन्च कर दूं कि आपको पता चले पोकेमोन के कैसे गेम्स आने वाले, अपकमिंग गेम्स कैसे होने वाले। तो ये आपको ऑनलाइन 5v5 देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको ऑनलाइन 5 अपोजिट की टीम देखने के लिए मिल जाएगी और आपकी टीम होगी, उसमें से आपको स्कोर्स करने हैं। आपकी जो टीम जो ज़्यादा स्कोर करेगी वो जीत जाएगी। तो ऐसा यार मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगा यार। डायरेक्ट फाइट वाला कॉन्सेप्ट होता तो अच्छा लगता, बट ठीक है ये भी ठीक है। अगर आपको ऐसी गेम्स पसंद है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी आपको पोकेमोन देखने के लिए मिल जाएंगे, बीच बीच में पोकेमोन से फाइट्स करनी है, स्कोर इकट्ठे करने हैं। और ये गेम अभी तक लॉन्च तो नहीं हुई है पर जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कौन सा गेम आपको पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आई होप ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू वॉच एंड बाय।